नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा बांदा के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदया को संबोधित जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा बांदा के द्वारा आज महामहिम राज्यपाल को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं, जिस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से पुलिस निरंकुश होती चली जा रही है और जिस तरह से निरंतर व्यापारियों की हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं आम बात हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो प्रदेश की जनता का क्या हाल होगा। कोई व्यापार सभा के द्वारा कानपुर का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बताया कि व्यापारी वर्ग निवासी मनीष गुप्ता को किस प्रकार गोरखपुर पुलिस द्वारा रात्रि में जबरन होटल के कमरे में जांच पड़ताल का बहाना बनाकर उठाया गया, फिर उसे बुरी तरह से मारा पीटा गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई है। समाजवादी व्यापार सभा बांदा के द्वारा मांग की गई कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। दोषी अफसरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर मनीष की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए। इस मौके पर विजय करण यादव, नीरज यादव, जिला महासचिव योगेश यादव, नीलम गुप्ता, वीरेंद्र गुप्ता, अशोक श्रीवास, सफी अहमद, दीपू विजय कुमार प्रजापति, प्रेम नारायण त्रिपाठी सहित समाजवादी लोगों ने मिलकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ये जो व्यापारियों के साथ घटनाएं हो रही हैं, आए दिन व्यापारियों को मार दिया जा रहा है, लड़कियों को बलात्कार हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, हम इसी मामले को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से। हमारी व्यापारियों के साथ जितनी असुरक्षा है, व्यापारियों के लिए कोई सुरक्षा नहीं। इस भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी उल्लंघन किया है, हम लोग अभी एक ज्ञापन और दिए थे लगभग 1 साल पहले, जब हमारे फतेहगंज में एक व्यापारी का मर्डर हुआ था, तो आए दिन किसी न किसी व्यापारी की हत्या हो रही है, इस चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे। आज हमारा जो ज्ञापन था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष अध्यक्ष यादव जी से मिलकर किए, उनके पिता ने लिखा, क्योंकि समाजवादी पार्टी बराबर व्यापारियों के हितों के लिए काम करती जा रही है और जिस तरीके से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कानपुर के व्यापारी जो अपना किसी व्यापार के सिलसिले से गोरखपुर गए हुए थे और रात में होटल में रुके हुए थे और पुलिस जो है वहाँ पर जाती है और जो है जांच के नाम पे उनका उत्पीड़न करती है और जिसमें व्यापारी द्वारा हस्तक्षेप और मना करने पर उसकी मारपीट करके हत्या कर दी जाती है और जिस तरह व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित है और उसका हत्याएँ हो रही हैं खुले रूप से, तो उस हत्याकांड के विरोध में समाजवादी व्यापार सभा को निर्देश दिया गया कि पूरे प्रदेश में जाकर के ज्ञापन और धरना प्रदर्शन करें और मौजूदा सरकार के खिलाफ एक ज्ञापन जारी करके जनता को जागरूक करें और व्यापारियों को जागरूक करें। ये जो सरकार है, ये किसी भी रूप में व्यापारियों के हितों की सरकार नहीं है। समाजवादी पार्टी की जो सरकार आएगी वही व्यापारियों के लिए भी एक कथा। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए चैलेंज न्यूज 24। नमस्कार।